तो दोस्तों सैमसंग ने कुछ दिनों पहले सैमसंग गैलेक्सी A60, A70 और A80 स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च किया है। तो ऐसे में सैमसंग अब लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M40 स्मार्टफोन। सैमसंग गैलेक्सी M30 एक काफी अच्छा स्मार्टफोन था जहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा 15,000 के बजट में देखने को मिला था। तो ऐसे में सैमसंग अपना सैमसंग गैलेक्सी M40 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जहाँ पर आपको उससे भी बेहतर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 48 MP का कैमरा और आपका मिलने वाला है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M40 के बारे में। तो अगर आपको भी जानना है सैमसंग गैलेक्सी M40 के बारे में ज्यादा तो बने रहे इस वीडियो में। तो ऐसे में अगर आपको नहीं पता तो सैमसंग गैलेक्सी M40 वाईफाई स्पेसिफिकेशन में देखा गया है जहाँ से मैं पता चल जाता है कि ये फोन आने वाला है One UI के साथ जहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है और इस फोन में आपको मिलने वाला है 6 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज। साथ में डिस्प्ले की बात करता हूँ तो इस फोन में आपको मिलेगा 6.4 इंचेस की एक इन्फिनिटी यू स्टाइल नॉच वाला डिस्प्ले जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है क्योंकि इस फोन में आने वाला है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। साथ में डिजाइन के बारे में बात करता हूँ तो इस फोन में आने वाला है एक ग्लास्टिक बैग, यानी कि इस फोन में आपको जो ग्लास प्लस प्लास्टिक का एक जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया बात होने वाली है। जैसा कुछ आपको सैमसंग गैलेक्सी बाकी डिवाइस में देखने को मिलता है वैसे डिजाइन इस फोन में भी आने वाला है। और साथ ही में पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलने वाला है जहाँ पर मेन सेंसर आपको मिल सकता है 48 MP का और साथ ही में आपको दूसरा सेंसर यहाँ पे मिलने वाला है एक वाइड एंगल लेंस और तीसरा सेंसर यहाँ पे होने वाला है एक डेप्थ सेंसर। साथ में फ्रंट की बात करता हूँ तो ये फोन आएगा एक 25 MP के फ्रंट कैमरा के साथ जो कि काफी बढ़िया बात होगी। तो ऐसे में इस फोन का कैमरा यहाँ पे Realme 3 Pro और Redmi के Note 10 Pro दोनों ही स्मार्टफोन से बेटर होने वाला है। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होगा कैमरे के मामले में। साथ में चिपसेट के बारे में बात करता हूँ तो ये फोन आने वाला है Exynos 9610 के चिपसेट के साथ जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी A50 में देखने को मिल चुका है। तो सेम चिपसेट इस फोन में भी आने वाला है और साथ में इस फोन में आपको मिलने वाला है 4 GB 64 GB इंटरनल स्टोरेज और जो 6 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और साथ में बैटरी बारे में बात करता हूँ तो इसमें आपको मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी जो कि 18 W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, यानी कि बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और ये फोन आएगा एक जो डेडिकेटेड SD कार्ड के स्लॉट के साथ, डुअल 4G वोल्ट का सपोर्ट इस फोन में आपको मिल जाएगा और एक हेडफोन जैक भी इस फोन में भी आने वाला है। साथ में प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में बात करी जाए तो इस फोन की प्राइसिंग होने वाली है इंडियन मार्केट में अराउंड 16 से 17 हजार के बजट में। इसी प्राइसिंग में सैमसंग इस फोन को लॉन्च करने वाला है। और अगर मैं बात करती इस फोन की लॉन्च डेट की तो में खबर निकल के आई है कि सैमसंग गैलेक्सी M40 लॉन्च होने वाले मई महीने के लास्ट तक, यानी कि मई महीने के लास्ट से पहले आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सैमसंग कब तक इस स्मार्टफोन को लॉन्च करता है और क्या रखती है इस फोन की प्राइसिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे वीडियोस आगे भी दे पाऊं।